और जनपद रुद्रप्रयाग में 16 मार्च से होने जा रही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज रतुड़ा में अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि नकल विहीन परीक्षा कराना सभी की जिम्मेदारी है, साथ ही परीक्षा में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जनपद में 69 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 8599 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो 16 मार्च से निर्धारित हैं जनपद में, और उसमें 69 सेंटर्स हैं जनपद रुद्रप्रयाग में, जिसमें करीब 8500 बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। उसी क्रम में सभी जो स्कूल्स हैं, सेंटर्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स, जो सुपरिटेंडेंट्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट, SDM, पुलिस, सभी के साथ बैठक की गई और जो शासन द्वारा दिशा निर्देश है उसके बारे में अवगत कराया गया। एक बहुत ही शांतिपूर्वक नकल विहीन परीक्षा, जिसमें कि सभी बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सके, वो अच्छे से अपना परीक्षा दे सके।